अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जन्नत वादमा व्लॉग। आई मैं न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कश्मीरी चाय की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप होटल और रेस्टोरेंट में पीते हैं, इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा मज़े की और झटपट बनाना मैं आपको आज सिखाऊंगी। आपसे मैं सारे इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। मैंने 2 टेबलस्पून कश्मीरी चाय ले ली है, ये किसी भी जनरल स्टोर या से आपको इजीली मिल जाएगी। 3 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 ग्लास मैंने मिल्क का लिया है और 1 ग्लास ही मैं वाटर का लूँगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने 1 टेबलस्पून नारियल को क्रश कर दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने बादाम को क्रश कर दिया है। आप इसकी जगह और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। मैंने 1 पतीला लिया है, इसमें मैं 1 ग्लास जो है वो पानी का ऐड करूँगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपका हमारे लिए एक तोहफा होता है, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब मैंने 2 टेबलस्पून कश्मीरी चाय के ऐड कर दिए हैं, इसे मैं तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक छोड़ दूंगी। 3 मैंने बादियान के फूल ऐड किए हैं, इसे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चाय का कितने मज़े का कलर आ गया है। आपने इसे 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब मैं इसे ढक दूँगी और 2 से 3 मिनट तक छोड़ दूँगी। 4 मिनट हमारी पिंक टी बनकर अच्छे से तैयार होगी है। माशाल्लाह पिंक टी का कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसे कप में छन्नी के मदद से निकाल दूंगी। मैं जो गूदा है वो इलाके बाज़ व्यूवर्स वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 1 पतीला लिया है, इस पर अब मैं 1 ग्लास जो है वो मिल्क का ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। आप शुगर जो है वो कम या ज़्यादा ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं मिल्क को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गर्म करूंगी। मैंने क्योंकि मिल्क को पहले बॉईल किया हुआ था, इसलिए जब मिल्क अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसे मैं कप में निकाल दूंगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून कश्मीरी चाय के ऐड करूंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे एक और तरीके से आपके साथ कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करूँगी। इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इस पर डाल सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपका हमारे लिए एक तोहफा होता है, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह हमारी कश्मीरी चाय बनकर तैयार हो गई है, आप इसको सर्व कीजिए। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।